से सामाजिक रूप से बहादुर उमर धरती समस्तीपुर से आपके नुमाइंदे भाई अख्तर इस्लाम शाहीन जी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में यह विशाल जनसैलाब और इसमें मौजूद महागठबंधन में शामिल सभी घटक दल राजद कांग्रेस सीपीआई सीपीएम और सीपीआई एमएल के सभी नेतागण कार्यकर्तागण इस मौके जनसभा में मौजूद मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा लेकिन आपके बीच कुछ बातें रखना चाहता हूं मुख्तसर। और वो ये कि जिस तरह से लालू राबड़ी शासनकाल में बिहार में 7 विश्वविद्यालय खुले, वो 3 दिन पहले ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष और देश के सबसे कम उम्र के होने वाले बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने ऐलान किया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पर मिथिलांचल में उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय खोलने को जा रहे हैं सरकार बनने के साथ। और ठीक वैसे ही राष्ट्रपति दिनकर की धरती बेगूसराय में उनके सम्मान में भी एक यूनिवर्सिटी कायम करने का काम किया जाएगा और इन दोनों विश्वविद्यालयों का जो मेयार है वो राष्ट्रीय स्तर का होगा, वो जेएनयू डीयूएमयू जामिया के स्तर का होगा जिसमें गरीब गुरबों के बच्चे भी सब्सिडाइज रेट पर बेहतर लाइब्रेरी का एक्सेस करेंगे, वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी होगी और सभी जाति धर्म के लोग जो जरूरतमंद हैं जो कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के हैं उनको जेएनयू डीयू नहीं जाने की जरूरत होगी बल्कि समस्तीपुर और बेगूसराय में ही उनको गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा हासिल होगा। दोस्तों कहना नहीं होगा कि लालू राबड़ी शासनकाल में जो किसानों की बेहतर स्थिति थी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था, आज आप बिहार में पता कर लीजिए कि 1850 रूपये प्रति क्विंटल मकई की खरीद कहाँ होती है, कहीं नहीं। किसानों के बिल्कुल सीने पर रोलर और बुलडोजर चलाने वाला किसान विरोधी बिल यह सरकार लेकर केंद्र को आई और उसके जो पारंपरिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम था बटाईदारी का वह भी खतरे में पड़ने जा रहा है। जो गेहूं और मकई और धान है उसको आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर कर दिया गया है, मतलब कालाबाजारी होगी, मुनाफाखोरी होगी, जमाखोरी होगी और इसके खिलाफ हम सब लोगों को एकजुट होकर इस सरकार को देशभर हुकूमत को उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है और एक नौजवान एक जवान एक जवान और एक विवेकवान मुख्यमंत्री को बिहार की हुकूमत को सौंपनी है। साथियों तेजस्वी जी ने ऐलान किया है और ये बिहार में पहली मरतबा हो रहा है कि सरकारी महकमे जितने हैं उसमें जिस भी विभाग में वैकेंसी होगी उसका फॉर्म भरने के लिए आपसे सरकार कोई पैसा नहीं लेगी, इन बेरोजगारों से नौजवानों से और आपके परीक्षा केंद्र तक ले जाने का जो खर्च है वह भी सरकार ही वहन करेगी। ये जो 10 लाख अस्थायी और पक्की नौकरी का वादा है ये कोई मोदी की तरह पकौड़ावादी मॉडल नहीं है रोजगार का, युवा को नीतीश कुमार की तरह झंझोरावादी मॉडल बिहारी मॉडल है जिसमें स्थायी नौकरी होगी। इसमें साथ में आपसे एक ही विनती है कि अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब आपकी जिस मोहब्बत से 2010 में जब राष्ट्रीय जनता दल के मात्र 22 विधायक थे तब भी अपनी मोहब्बत से उनको नवाजा था, यहाँ से जिताकर भेजा था, वो आपकी नाई लगातार 2 बार से लड़ रहे हैं, इस बार आप हैट्रिक लगवाइए, उनको जिताकर बिहार विधानसभा के अंदर भेजिए, वो आपके क्षेत्र की नुमाइंद भी करेंगे सिंहदर्शन करेंगे और आपकी उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खड़ाई करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि घर और परिवार में अगर एक नाबालिग बेटा बेटी आ जाए तो पहला काम करता है कि माँ बहन का लेवर उसका गहना उसका आभूषण बेचकर जुआ खोरी नशा खोरी होता है, लेकिन जब मुल्क का बादशाह ही नालायक हो जाए तो वो क्या क्या देश का बेचेगा आपको सियासत जमावे लालू प्रसाद जी ने देने का काम किया, एक एक करके एयर इंडिया बेचते जा रहे, एचएएम बेचते जा रहे, जितने सरकारी उपक्रम है उसमें सहायता करते जा रहे, तो आज में इस देश के अस्मिता और अखंडता पर खतरा है और इसका समर्थन हमारे नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी 10 लाख रोजगार कहाँ से देने जाते हैं, तो आपको बताऊं कि बिहार सरकार का जो बजट है वो 2,11,700
जनता का है, वह सरकार खर्च करने में ही नाकाम होती है। आपको मालूम होगा कि अपना चेहरा चमकाने के लिए गरीब गुरबों का पैसा 500 करोड़ रूपये से विज्ञापन पर नीतीश कुमार खर्च करते हैं। आपको यह भी जानकारी है कि 24,500 करोड़ जो जल जीवन हरियाली है उसमें पानी की तरह पैसा है, किया जाता है और अमीर के लोग बैठ कर मैनेसी और शराब पीने का काम करते हैं। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और तेजस्वी यादव जी करने जा रहे हैं। मैं आपसे कहूँ कि 46.6% जो बेरोजगारी है बिहार में, देश के अंदर सबसे ज्यादा, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसी स्थिति को बदलने के लिए तेजस्वी जी ने कहा है कि 10 लाख नौकरी के रोज के मूल में जीना का फौरन होगा, क्योंकि आबादी 11-12 करोड़ है। इसलिए जितने लोग बेरोजगार न जाएंगे इसके बावजूद उसको हम 1500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने जा रहे हैं। सामने बहुत संक्षेप में यह बता लूं कि चौधरी चरण सिंह जी जो आपकी समस्तीपुर की धरती पर आए थे और प्रफुल्ल ठाकुर जी के घर में जब प्रवेश कर रहे थे तो उनका सर टकरा गया छोटे दरवाजे में और उन्होंने कहा, कर्पूरी तुम अपना घर क्यों नहीं बनवाते हो? कर्पूरी ठाकुर जी ने जवाब दिया था, एक मेरे घर बन जाने से क्या होगा जबकि लाखों परिवार यहाँ पर बेघर है। आज आप देखिए पटना में फल मार्केट, सब्जी मार्केट चलवा दिया गया, फूड मार्केट चलवा दिया गया। तेजस्वी जी ने कहा है जो भी बेघर परिवार है, जो भी बेसहारा परिवार है, उनको हम खुश फसली जमीन देकर उनको बसाने का काम करेंगे। और चरण सिंह जी कहते थे हिन्दुस्तान की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, लेकिन इस देश के सबसे ईमानदार नेताओं में से एक जिन्होंने सड़क निर्माण विभाग का मंत्री आते हुए 9 को 20 महीने में 5,000 किलोमीटर सड़क बनवाने का काम किया। हिन्दुस्तान में रिकॉर्ड है, किसी भी राज्य में इतनी तब्दीली नहीं सुन रहे, इतने कम समय में सड़कों का इस पैमाने पर जाल नहीं बिछाया। आप मौका दीजिए तेजस्वी जी को, यहाँ से शाहीन जी को जिताकर लाइट एंड छाप पर बटन दबाकर उनको भारी मतों से जिताकर उनको बिहार विधानसभा भेजिए। शाहीन जी जब वहाँ से मिले होंगे नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।